कोई भी एक बता दो। तो हमें ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटेड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कमेंट करनी थी ना, बोलो। Yes, तो सबसे पहले हम ग्राफ किसका बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से डील करना ही अच्छा है। एफ ऑफ एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स माइनस थ्री की लाइन आएगी एक्स लेस देन जीरो पे, ठीक है। ये लाइन आ गई एक्स माइनस थ्री की, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एंड ग्रेटर देन जीरो पे क्या आने वाला है, वाई इज इक्वल टू ये। तो इसका मतलब ये वाला कर्व आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये यहाँ पे टू होगा, ये माइनस थ्री होगा, ठीक। ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे, इसके रूट्स भी हम बता सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक के वन एंड टू रहेंगे। ये हो गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, लेकिन अब हमें किसका चाहिए, एफ ऑफ मॉड एक्स का। लेकिन वो ग्राफ एफ ऑफ एक्स से ही आने वाला था, इसकी वजह से पहले एफ ऑफ एक्स का बना लिया। एंड एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देंगे, बचे हुए की इमेज लेंगे। तो ये देख लो एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड एफ ऑफ एक्स, उसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर, फिर ये इस तरीके से, ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक। अब हमें बात करनी है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स, इसके डिफरेंशियबिलिटी की। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे, ये वन एंड टू जो है, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है क्या नॉन डिफरेंशियबिलिटी, बोलो। हाँ। क्योंकि देख लो उसमें ये मॉड एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। ये पहले तो बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, पहले इसके बारे में कमेंट करो, नॉन डिफरेंशियबल कहाँ पे है। जीरो जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो। फिर उसके बाद ये नॉन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पे है, जीरो वन टू, जीरो वन टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू, ठीक। तो अब अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करेंगे तो वो एक्स एंड वन, वो एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू पे तो नॉन डिफरेंशियबल रहेगा ही, क्योंकि वहां पे मॉड एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, लेकिन ये एफ ऑफ मॉड एक्स डिफरेंशियबल है, तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशियबल रहेगा, बताओ। नॉन डिफरेंशियबल क्या, क्या कह रहे हो, फिर उसके बाद यहां पे बताओ जीरो पे क्या होगा, जीरो पे ये भी नॉन डिफरेंशियबल, ये भी नॉन डिफरेंशियबल, तो जीरो पे कैसे करेंगे, मेथड्स। हाँ, जीरो पे कैसे देखेंगे कि डिफरेंशियबल है या नॉन डिफरेंशियबल है, कितने लोगों ने सॉल्व किया ये, पहली बात तो ये बताओ। वो सिर्फ 10-12 लोग सॉल्व कर रहे, तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आता है मॉड एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ मॉड एक्स कंटिन्यूअस आता है, तो दोनों का सम करेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो इसकी वजह से जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस आएगा,
एंड अगर जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो नॉन डिफरेंशियबल भी रहेगा, तो इस वजह से जीरो पे भी नॉन डिफरेंशियबल आएगा। लिख लो, कर लो ड्रॉ। तो जीरो पे क्यों नॉन डिफरेंशियबल आएगा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? मॉड 4x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x इक्वल टू 0 f of x is equal to mod 4x square minus 1 for x greater than or equal to 0 less than 1 x square minus 2x x greater than or equal to 1 less than or equal to 2, तो 0 to 2 के बीच में बताना है। तो इसका पहले ग्राफ f of x का जो हम बना चुके हैं, मैं बार बार उसको एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा। तो 4x square minus 1 का ग्राफ बनाना है 0 to 1 के बीच में, तो ये इस तरीके का ग्राफ आ जाता। तो हमारे 0 कहाँ पे होगा, 1 by 2 पे। अगर सिर्फ 4x square minus 1 की बात होती तो ये, और उसके बाद 0 to 1 के बीच में 1 पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है? पे वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू 1। तो अब इसका मॉड लेंगे तो इधर वाला पोर्शन तो गया, ठीक है? तो वो ये उसका ग्राफ आएगा, ये 0 टू 1 के बीच में, यहाँ पे ये 1 बाय 2, ये 1, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसकी 3, एंड लेकिन यहाँ पे आएगा हॉलो सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर ओपन है, डार्क। अब उसके बाद 1 पे देखते हैं, ठीक है? 1 पे जब देखेंगे 1 टू 2 के बीच में, तो ये ग्राफ आ रहा है। हमने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फिर 1 पे उसकी वैल्यू माइनस 1, एंड फिर ये 1 टू 2 तक जाना है ना, फिर बीच में एक पॉइंट आएगा कौन सा, जहां पे ये एक तो x स्क्वायर माइनस 2x, 2 पे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 कहां पे होगा, तो ये मेरे ख्याल से आ रहा था 1 प्लस x is equal to 1 plus root 2, 1 plus root 2 पे 2 आ रहा था, 1 आ रहा था, सॉरी 1 की वैसे बात ही नहीं होगी, माइनस 1 कहाँ पे आ रहा था, वो है माइनस 1, इसका जब ग्राफ बना रहे थे x square minus 2x का, तो 0 से ये यहाँ पे 1 कॉमा कितना आएगा, माइनस 3 बाय 4 है, तो माइनस 1, ठीक है?
ये माइनस वन हो रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पे, एंड फिर उसके बाद ये जीरो हो रहा है एक्स इज, मतलब यही ग्राफ है ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये हम बना चुके हैं इसकी वजह से डायरेक्टली मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहां से देखो क्लियरली दिख रहा है कि नॉन डिफरेंशियबल, वन बाई टू पे हो रहा है, वन पे भी हो रहा है एंड टू पे भी हो रहा है, तो x इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू, तो इन तीन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल है ठीक है। तो वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नहीं सर, नहीं। और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? साइन इनवर्स टू एक्स अप टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। कितना साइन इनवर्स? टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, f of x is equal to sin inverse, मतलब ये गलती करता हूँ मैं होमवर्क में क्वेश्चन देख के, कुछ चुनिंदा लोग ही सॉल्व करते हैं, कोई नहीं उनका तो चलो फायदा होगा ये। अब इसमें हमें पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताना है ठीक है, तो ये देख लो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? टैन इनवर्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स इक्वल टू टैन थीटा। एक्स इक्वल टू टैन थीटा, जहां पे थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो वहां से ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टू थीटा वैरी कर रहा है, टू थीटा वैरी कर रहा है माइनस पाई टू पाई के बीच में, तो इसके बीच में जब हम ग्राफ देखते हैं तो ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, माइनस पाई, तो माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू टू माइनस, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई माइनस टू थीटा, वेन टू थीटा लाई कर रहा है किसके बीच में? माइनस पाई क्लोज टू माइनस पाई बाय टू ओपन, फिर उसके बाद माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू में टू थीटा, ठीक है, एंड उसके बाद आ जाएगा पाई माइनस टू थीटा व्हेन टू थीटा लाइज बिटवीन पाई बाय टू टू पाई, तो उसके बाद वो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो रहेगा हमारा माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, टू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ओपन, यहाँ पे एक्स माइनस वन टू वन, एंड यहाँ पे एक्स वन टू इंफिनिटी, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो तुम लोग माइनस वन पे क्या कंटिन्यूअस रहेगा क्या, ये पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो इसकी, माइनस वन पे नहीं, नहीं सोच समझ के बताओ माइनस वन पे क्या ये कंटिन्यूअस रहेगा क्या? यस सर, रहेगा, क्योंकि माइनस वन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस फाइव बाई फोर, तो ये माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू बन जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू,
कंटिन्यूअस है, वन पे कंटिन्यूअस है क्या? हाँ है, वन पे भी कंटिन्यूअस है, तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी थी हमें? माइनस वन एंड वन पे, तो हमने देख लिया वहां पे कंटिन्यूअस आता है, वहां पे कंटिन्यूअस आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन, इन्हीं पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, वहां पे कंटिन्यूअस आ रहा है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स लेस देन माइनस वन, ये एक्स ग्रेटर देन, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट माइनस वन पे क्या होगा उससे मतलब नहीं है, हमें माइनस वन पे तो एल एच डी आर एच डी देखनी है, वो फाइनाइट आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियबल होने के लिए क्या था, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। आवाज आ रही है मेरी? यस। या ब्रेक हो रही है? ठीक है, तो हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए किससे मतलब था? एल एच डी एंड आर एच डी से, एग्जैक्ट माइनस वन पे क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विलिटी हटा देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट माइनस वन पे या वन पे क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें तो बस उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलना चाहिए, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो ये एक्स ग्रेटर देन वन, तो देख लो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एल एच डी आएगी ऊपर वाले से, एंड वो कितनी आएगी, माइनस वन, एंड आर एच डी आएगी नीचे वाले से माइनस वन पे, और वो कितनी आएगी, वन, नॉन डिफरेंशियबल। फिर उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू वन एल एच डी आएगी इधर से, एंड आर एच डी आएगी यहां से एल एच डी टू आर एच डी माइनस टू, तो नॉन डिफरेंशियबल, तो x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो लिख लो इसको जल्दी से। ये रहा पहला पेज, ये अपना फंक्शन में हो चुका है ये कन्वर्जन, अगर फंक्शन की कुछ चीजें याद आ रही है तो ये समझ में आ जाएगा, अगर भूल गए होंगे तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से फंक्शन में इसको बताया गया है। फंक्शन एंड उसके बाद एलसीडी का पार्ट है। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो चुका है, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो कितने लोगों ने साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के देखा? बस दो लोग। ठीक है, देख लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बाद में मत बोलना फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बताया गया और वहां पे समझ में नहीं आया, बता रहा हूं मैं। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां पे अब एफ डैश एक्स, जैसे हम एफ डैश ए लिखते थे ना वैसे ही अब एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो तुम चाहे एल एच डी वाला रिजल्ट लिखो या आर एच डी वाला कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, एल एच डी वाले से जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एफ डैश ए का क्या रहता था, एल एच डी रिजल्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच रहता था ना, तो एक ही जगह पे एक्स ले लिया है। ठीक है, अब उससे सॉल्व करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एच, ये माइनस साइन एक्स अपॉन में माइनस एच, तो ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे
तो जब तुम ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे, देख लो ये आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x माइनस एच अपॉन 2 इंटू साइन माइनस एच बाई 2, ये आ जाएगा एंड डिवाइड में है माइनस एच, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी क्या रहता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 तो रहता है। अब ये देखो एच टेंडिंग टू जीरो पे, ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं साइन को, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स ऑफ कॉस साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस एच बाई 2, इस 2 को नीचे लेके चले गए, ये देखो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसकी लिमिट 1, यानी आप ये 2 हटा दो फिर। अब एक्सटेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x, तो इस तरीके से sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है। क्लियर क्लियर है फर्स्ट प्रिंसिपल अब? हाँ सर। यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन ये है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू sin x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू sin x by using first principle method. तो ये रही first principle method. Sin का differentiation आता है cos. किसी को कोई डाउट इसमें? हो गया इसी का बाकी है क्या लिखना? हाँ अभी पूरी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो एलसीडी की, बिल्कुल कर सकते हो, करो सॉल्व। नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से देख रहे हो, ये बोर्ड के लिए काम में आता है इसलिए बता रहा हूं मैं, वरना तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन याद ही रखना है हम लोगों को। वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे तुम आर एच डी वाला रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, उससे भी आएगा आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये देख लो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एल एन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एल एन एक्स, ठीक है, माइनस एल एन एक्स अपॉन एच, तो ये एल एन एम माइनस एल एन एन। तो उससे अगर हम इसको देखते वो प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ln x plus h upon x upon में h
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा ln 1 प्लस एच बाय एक्स और यहाँ पे h. तो ये देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 प्लस ये क्या आ रहा है यहाँ पे h बाय एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें h बाय एक्स चाहिए होगा. x से मल्टीप्लाई डिवाइड, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ln 1 प्लस एच बाय एक्स, यहाँ पे x h by x. तो देख लो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी और बचेगा क्या 1 by x. तो इस तरीके से ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x. क्लियर है? बोलो. यस. ऐसे बाकी के भी तुम देख सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से. किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल में. अब उस टाइम पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुआ था इसकी वजह से दिक्कत आई होगी, वरना इसमें खास ऐसा कुछ नहीं है. तुम वहां पे एलएचडी वाला रिजल्ट या आरएचडी वाला रिजल्ट यूज करके आगे बढ़ सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. और एक बार वो टैन वाले में लगा दो, एक और में वेरीफाई कर लेते, देन आगे बढ़ जाते हैं. टैन वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, इसमें लगाओ और बताओ टैन एक्स का डिफरेंशिएशन से एक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या. तब तक बाकी के लोग ये लिख लो, जल्दी करो. आ रहा है क्या tan का sec square x? ओके चलो ठीक है, देख लो. अब यहां पे f dash x क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टैन एक्स प्लस एच माइनस टैन एक्स अपॉन एच. तो यहाँ पे तुम एक काम करो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. साइन कॉस में जब कन्वर्ट करोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच. अब एलसीएम वगैरह लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos x cos x plus h into h. ऊपर में देखो sin a plus b का एक्सपांशन दिख रहा है, तो उसको हम sin x plus h minus x लिख सकते हैं, है ना. इसी का तो एक्सपांशन ऊपर में है और नीचे में ये cos x plus h into h. तो ये देख लो ये x x कैंसल आउट होगा, हो जाएगा एंड sin h by h एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है.
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे साइन एच बाय एच एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, नहीं ये बचा रहेगा कॉस, क्योंकि इसकी डिविजन से इनडिटर्मिनेंसी तो नहीं आ रही है, तो एच टेंडिंग टू जीरो पे ये वन, और यहाँ पे आ जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्लियर है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अब? यस सर। यस, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। देख लो इसको जल्दी से, नाउ क्लियर। तो इसके पहले वाले नहीं समझ में आए थे क्या, एल एन वाले और वो साइन वाले? प्रणव, क्लियर है सर वो भी? ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे मे भी हमने ये नहीं देखा हुआ था डिफरेंशियबिलिटी, तो उसकी वजह से दिक्कत आई होगी, तो सही है, वो सही टाइम पे सही चीज करने पे ही समझ में आती है। तो ये तुम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सही टाइम पे अगर हम रिवीजन करेंगे, जो बोला जा रहा है वो करेंगे, तो सही टाइम पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि ये आज कर लो, इसको अच्छे से देख लो, अगर तुम उसी टाइम पे उसको अच्छे से रिवाइज वगैरह नहीं करोगे, फिर दिक्कत जाएगी। ये सब समय का खेल है कि नहीं? यस सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे, समय का खेल है, ये है वो है, जीवन एक मोह माया है। क्या है जीवन का राज? ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा मैं बाबा बन जाऊ? हाँ सही, वही सोच रहा हूं मैं, ऐसी ज्ञान वाली बातें बांटेंगे, ये नहीं, ये तो चलो होता रहेगा, वो दूसरा। ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही है क्लासेस? अभी कुछ पता नहीं अथर, है ना, क्योंकि अभी तो शायद सुनने में आया है नासिक में थोड़ा लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया है, अभी देखते हैं, आशा करते हैं धीरे धीरे स्कूल वगैरह को भी परमिशन मिल जाए, क्योंकि अभी शायद रिसेंटली 4-5, 7-8 स्कूल बंद कर दिए थे ना। अच्छा मैं बाबा बन जाऊंगा तो तुम लोग भक्त बन जाओगे? हाँ ठीक है भाई, वो सब अपन उसके बाद करेंगे, जब तुम मेंस एडवांस दे दोगे ना उसके बाद, ठीक है। ऐसे सेशन रखेंगे जब तुम क्लास में जाओगे, मतलब कॉलेज में जाओगे, तो रख लिया करेंगे ऐसे बाबा वाले सेशन, ठीक है। और हमारे क्या है, हमने ऑफलाइन की उम्मीद भी छोड़ दी है। अच्छा ठीक है, ऐसी उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद भी तो दुनिया टिकी हुई है, एक और बड़ी बात आ गई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब वो तो मैं समझता हूँ कि ओम ऑफलाइन ही अच्छा है, जितना ऑफलाइन में समझता है उतना ऑनलाइन में नहीं समझ पाता, ये भी मैं भी समझता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है।
अब इसी में से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी लोगों के साथ यही हो रहा है ना, तुम अकेले थोड़ी हो। अगर ऐसा होता बाकी लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होते और तुम्हें ऑनलाइन करना पड़ता वो बात अलग थी, लेकिन सभी लोग इसी में से जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी, तो इसकी वजह से इतना ज्यादा लोड मत लो इसका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। अभी तक तो देखो हमने क्या देखा था, एफ डैश ए या एफ डैश एक्स को कैसे लिख रहे थे, एफ डैश ए के टर्म्स में लिख लेते हैं अभी। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एल एच डी या आर एच डी दोनों में से कोई एक रिजल्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पे। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस तरीके से लिख रहे थे, बोलो। यस सर। हाँ सर। थोड़ा सा और हम सजाते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो, इस तरीके से भी इसको रीड कर सकते हैं क्या? यस सर। है कि नहीं, मतलब यहाँ पे देखो ए प्लस एच का फंक्शन, ए प्लस एच का फंक्शन, एंड यहाँ पे भी ए प्लस एक एच का फंक्शन ही मान लो इस जीरो को भी, ए प्लस एच का फंक्शन, ए प्लस एच का फंक्शन, और वो दोनों जो एच के फंक्शन आ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस नीचे, तो उसको भी हम एफ डैश ए लिख सकते हैं। ऐसा इसको रीड करते हैं हम लोग अभी, ये एक एच का फंक्शन, ये एक एच का फंक्शन, हमें एफ डैश ए चाहिए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच का फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच का फंक्शन, एंड उन दोनों एच के फंक्शन का डिफरेंस नीचे, एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हमें क्या दे देगा, एफ डैश ए। तो इसी को देखो अब कैसे लिखेंगे, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी ऑफ एच। तो ये जो एच के फंक्शन से उन दोनों का डिफरेंस अगर नीचे आ जाएगा तो यहां से हमें एफ डैश ए मिलेगा। क्या ये क्लियर है क्या रिजल्ट, बोलो। यस सर। वो हमने आर एच डी के रिजल्ट की ही हेल्प ली है, तो एफ डैश ए को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू, सर नीचे में डिफरेंस ही रहेगा। हाँ नीचे में डिफरेंस ही रहेगा। हाँ नीचे में हमेशा उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो एच का फंक्शन है ठीक है, एंड यहाँ पे जो एच का फंक्शन है उन दोनों का डिफरेंस नीचे होना चाहिए, एंड ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस ये एच का फंक्शन, ए प्लस एच का फंक्शन, तभी हम उसको एफ डैश ए लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको तुम ग्राफ से अगर देखने जाओगे, ये जी ऑफ एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी एंड पी ऑफ एच भी, तो ग्राफ से अगर देखने जाओगे तो ये ए है। अब हम एक काम करते हैं, जी ऑफ एच मान लो थोड़ा छोटा है, ए से थोड़ा छोटा है, या पी ऑफ एच मतलब ये ए प्लस जी ऑफ एच थोड़ा छोटा है या पी ऑफ एच थोड़ा छोटा है, ऐसे ले लेते हैं, एंड ए प्लस जी ऑफ एच थोड़ा बड़ा है ए से, ऐसे देखते हैं इसको। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ए प्लस जी ऑफ एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एच आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ए प्लस पी ऑफ एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस पी ऑफ एच आ जाएंगे। तो अगर हम ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ठीक है, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें ए बी लाइन मिलेगी, एंड उस ए बी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, ये वाला ए बी लाइन का जो स्लोप है वो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी ऑफ एच अपॉन
a प्लस जी ऑफ एच माइनस ए प्लस पी ऑफ एच ये मिलेगा, ये ए बी लाइन का स्लोप है। और अगर हम इसमें h टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं तो तुम देख लो क्या ये लाइन a पॉइंट पे टेंजेंट बनने के लिए अप्रोच करेगी क्या, ए बी लाइन? यस सर, यस सर, है कि नहीं? ये ए बी लाइन फिर a पॉइंट पे टेंजेंट बनने के लिए अप्रोच करेगी, मीन्स हमें वहां से क्या मिलेगा, f डैश a मिलेगा। तो अब क्लियर है डायग्राम से भी? यस सर। डायग्राम वगैरह मत बना, वो तो समझाने के लिए लिखा था। तो h टेंडिंग टू जीरो लेने पे वो लाइन a पॉइंट पे टेंजेंट बनने जाएगी, इसका मतलब वहां से हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। वो जो m ऑफ ab मतलब स्लोप ऑफ ab लाइन है वो a पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा h टेंडिंग टू जीरो पे। तो इसके क्वेश्चंस लिख लो तुम लोग। Evaluate this if f dash a is equal to 3। इसको इवैल्यूएट करना अगर f डैश a 3 है तो। थ्री बाय फाइव कितना आ रहा है? थ्री बाय फाइव नहीं, थोड़ा सा सोचो। पहले तो ये बताओ कितना आ रहा है सार्थक? 15। हाँ बिल्कुल सही, 15 आएगा। इस फॉर्म में है क्या, अभी जो ये एफ डैश आई वाला फॉर्म लिखा है क्या उस फॉर्म में ये रिजल्ट है क्या? नीचे में उन दोनों एच के फंक्शन का डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं नहीं है ना। तो ये देख लो उसको लाएंगे तो कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस थ्री एच। तो ये 2h एंड माइनस 3h इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 5h। 5h। तो 5 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके देखो ये जो नीचे में 5h आ रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? टू एच माइनस ऑफ माइनस थ्री एच, मतलब ये एच का फंक्शन माइनस ये वाला एच का फंक्शन, इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमें क्या दे देगा, एफ डैश ए, ये हमें एफ डैश ए दे देगा। तो यहाँ से फाइव इंटू एफ डैश ए कितना गिवन है, 3। तो ये आ जाएगा 15। क्लियर है या कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है या डायरेक्टली भी माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकता है। तो किसी को कोई डाउट? नो सर। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर, यस सर। विलायती लोगों को भी क्लियर है क्या ये? देसी लोग और विलायती लोग, मतलब पता है क्या प्रीति, विलायती मतलब क्या होता है?
नहीं नहीं पता है, बाकी लोग बताओ इलायती मतलब क्या होता है? ये इलायची लिख रहा है ये गधा अथर। अरे क्या तुम कर रहे हो, कुछ भी नहीं आता है क्या प्रीति तुम्हें हिंदी का मतलब ज्यादा? विदेशी होते हैं सर, विदेशी। क्या कह रहे हो सर? आपने वो मराठी में बोला ना। अच्छा इसलिए नहीं समझ में आया, हिंदी में आ जाता। ऐसे ये विलायती तो हिंदी वाला वर्ड ही है। हिंदी में भी चलता है सर। वही तो, हिंदी में भी चलता है ना विलायती बाबू। अच्छा तो मराठी हो सेवेंथ क्लास में, ठीक है मराठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, लिमिट। अब वो इसलिए याद आया क्योंकि आज कुछ लोगों का बीट्स का पेपर है तो उसमें इंग्लिश आती है, तो कल वही उनको मोटिवेट कर रहा था इंग्लिश वगैरह, 15 क्वेश्चंस रहते हैं ना इंग्लिश के, तो उसकी वजह से एकदम से याद आया। पता होगा ना बीट्स का पैटर्न क्या रहता है तुम लोगों को? हाँ सर। कितने लोगों को पता है किसका पैटर्न सर? बीट्स। बस 6 लोगों को, बाकी लोग फिर क्या करते हो जो तुम्हें एग्जाम देने हैं के बारे में पता होना चाहिए ना हम लोगों को कि हम तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में जाना है हमें आगे, तो बढ़िया कॉलेजेस बढ़िया एग्जाम्स उनके बारे में सब पता होना चाहिए। जब आएगा तब देखेंगे। ये देखो ये कथा हर्षवर्धन सीधा जेई, ठीक है वो भी है लेकिन एक ऑप्शन बी भी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने लोग लोगों ने बताया था सर बीट्स के बारे में? कितने लोगों ने देखा है? क्या सर बहुत भोले बन रहे हो तुम लोग, सच सच बताओ कितने लोगों ने एस्पायरेंट देखा है सीरीज? अभी सारे निकलेंगे मैं बता रहा हूं ना, लाइन लग जाएगी एकदम। हाँ वही ऑप्शन भी कभी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। और इसी को हासिल करने के बारे में अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू प्लस साइन एच अपॉन एच इंटू साइन एच इंटू टैन एच, ये है एंड यहाँ पे हमें गिवन है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है इफ एफ डैश टू इज इक्वल टू है 4, एफ डैश टू इज इक्वल टू 4 है। जल्दी से, फिर उसके बाद हमारा फंक्शनल इक्वेशन ही बचता है। ये कौन महानुभाव है जो माइक बंद करके बैठे हुए हैं, मतलब माइक वाला साइन ही नहीं आ रहा उनके सामने? सोहम और प्रथमेश,
ठीक है, तुम अभी प्रीति क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर फोकस करो। मैंने वर्ड पूछ लिया, सब हो गया, उसकी कहानी खत्म, उसको दी एंड कर दो वहां पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। रो तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर। नहीं ना? हाँ नहीं। आयुष गलत है। हाँ हूं ना मैं सेंटर पे वेदांत, 1:30 के बाद। आने वाले हो क्या आज? ठीक है, तो कितने लोगों का आ रहा है इसका आंसर? इसमें अब एक तो वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट अभी देखा, वो यूज होगा। एक और चीज यूज होगी, यहाँ पे मैंने एच लिखा है ना। हाँ एच ही है। स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज होगा यहाँ पे, एंड उसके बाद एक्सपांशन भी यूज होगा। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। आंसर बताओ जल्दी से। सर 0 है क्या? नहीं रे, 0 नहीं, 2/3 इसका आंसर है। देख लो कैसे, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले वो f'2 वाले फॉर्म में लाएंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 प्लस साइन h। तो ये जो h के फंक्शन आ रहे h एंड साइन h, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई है, f'2 बन गया। अब h माइनस साइन h से अगर हमने डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, एंड यहाँ पे जो साइन h एंड टेन h आ रहे हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, देख लो वो हो गए। अब h टेंडिंग टू 0 पे ये f'2 बन जाएगा, ये f'2, यहाँ पे ये साइन h बाय h1, ये tan h by h1, उनकी कहानी खत्म। बचता क्या है अब, h minus sin h upon h cube। तो यहाँ पे तुम लॉपिटल लगाओ या तो एक्सपेंशन लगाओ sin h का, sin h का एक्सपेंशन लगाओ, रिजल्ट मिल जाएगा f'2 है 4, लिमिट h tending to 0, h minus h plus h cube by 3 factorial, यहाँ तक ही जाएंगे, अपॉन में h cube। तो ये देख लो ये कैंसल आउट, h cube गया, तो ये 4 × 1/3 factorial means 4 × 1/6, that is 2/3, clear है? Yes sir, clear is sir। और इतने स्पीड से तुम लोगों को भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें देखी हुई है। एक्सपांशन हमने देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा है, अभी ये जो f'a वाला कंसेप्ट वो हम देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, उसको f'2 में कन्वर्ट करना है। तो ये f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 प्लस sin h जो है, ये h का फंक्शन, ये h का फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस नीचे होना चाहिए, तभी तो हम इसको f'2 बोल सकते हैं। तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया h माइनस sin h से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो h से डिवाइड, h से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ पे h क्यूब बनेगा, तो वो बन गया। yes.
क्या कह रहे हो और से और था मैक्सिमम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वैसे भी यूट्यूब आ जाते तो सोच रहा हूँ कि यूट्यूब स्टार्ट कर देगा। अबे पूरी जनता वहां पे काम कर रही है, अब तू थोड़ी ना वो एमपी वाला लड़का है कि वायरल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तेरे साथ तूने जो वीडियो बनाया है। मतलब इंडिया कहाँ जा रहा है देखो, कैसे गाने मतलब वायरल हो जा रहे हैं उसके ऊपर सेलिब्रिटी भी नाच रहे पागल होके। तो तुम जैसे भोले भाले बच्चे क्या सीखेंगे कि कैसी चीजों को इंडिया में वैल्यू दी जा रही। तुम लोगों का भी मन उधर डाइवर्ट होगा ना, जैसे ये इसका हो रहा है हर्षवर्धन का गाना तो सुना होगा ना तुम लोगों ने। कौन सा सर? नहीं सुना क्या? नहीं सुना। वो छोटे बच्चे का क्या सर? हाँ हाँ छोटे बच्चे का। बचपन का प्यार और उसको मतलब एमपी के मतलब कौन थे वो सीएम छत्तीसगढ़ सीएम। हाँ छत्तीसगढ़ के सीएम आके वहां पे ये कर रहे हैं। मतलब अगर छोटे बच्चे कोई देख रहे होंगे तो वो भी क्या ही सोचेंगे, ऐसे गाने गाओ ऐसी हरकतें करो और हम लोग फेमस हो जाएंगे। पढ़ने के बारे में कौन ही सोचेगा फिर। बचपन का प्यार मुझे नहीं निकली होगी इन लोगों की, तुम्हारी भी नहीं निकली वैसे, और बचपन का प्यार इनको ही हो रहा है। कलयुग है क्या? अच्छा कलयुग है ठीक है, लेकिन तुम लोग ये मत कर लेना कि है ना ऐसी चीजों से फेमस होता है। वो फेमस नहीं होता, उसको किया जाता है, कोई ना कोई उसके पीछे एजेंडा तो होगा, किसी ना किसी की हिडन साजिश। तो हमें तो मेहनत करके ही आगे जाना है, मतलब शॉर्टकट से अगर आगे जाने का सोचोगे तो वो तुम्हारी कामयाबी और जो भी सक्सेस रहेगा वो भी टेम्पररी रहता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो तो वो सक्सेस वो कामयाबी बहुत ज्यादा मतलब थ्रू तुम्हारे लाइफ टिकी हुई रहेगी। चलो ठीक है ये हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा टोनी स्टार्क से इंस्पायरेशन लेता है। अरे बेटा कहाँ फिक्शनल कैरेक्टर से इंस्पायरेशन ले रहा है तू, जो रियल में है उनसे लो ना। इलन मस्क। हाँ ऐसे लो, मतलब तुम इंफिनिटी क्या कहते नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को तो भूल गया, इंफिनिटी वॉर ये कौन लगाता है उसका, किसी का तो डीपी था लास्ट ईयर ये अमोग। हाँ अमोग अमोग है क्या आज अमोग अमोग है, है अभी चेंज कर दिया है उसने ए कर दिया अपना चुपचाप, समझ में आ गया कि अच्छा फिक्शनल कैरेक्टर को रियल में लाने वाला है तू, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले हमें ये सब सीखना है ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट कंसेप्ट अब फंक्शनल इक्वेशन।
फंक्शनल इक्वेशन। तो चार पांच रिजल्ट्स तुम्हें याद करने के लिए बोले होंगे सर ने, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स को लेके चलेंगे ए एक्स, ऐसा आप बोला होगा ना, लिखवाया नहीं तुम्हें, तो तुम्हें लोग तो बोल रहे थे लिखवा के दिया है चार पांच रिजल्ट्स, पर वो एक और बार लिखवा दीजिए। लिखवा तो चलो मैं दूंगा, उसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है, प्रूफ भी ध्यान से सुन लेना आप। पहला रिजल्ट है प्रूव दैट इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, then और ये किसके लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है और x and y belongs to R, then f of x is equal to lambda x, where lambda is constant. ये एक रिजल्ट लिखवा के दिया होगा, अगर इस तरीके का बिहेवियर आता है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो वहां पे फंक्शन को क्या एज्यूम करना है, तो लैम्डा एक्स एज्यूम करना है कि नहीं। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स क्या होता है ये हम देख चुके हैं एल एच डी एन आर एच डी के फॉर्म में, तो उसी से इसका प्रूफ आएगा। लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो 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 आएगी, क्योंकि इसमें काम करो तुम लोग, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, ये पुट करो, इसी तरीके से हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिलेगी। तो ये देख लो, इधर एफ ऑफ जीरो, ये एफ ऑफ जीरो, ये एफ ऑफ जीरो, तो ये आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी वजह से पहले ही हमने एफ ऑफ जीरो निकाल लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एफ डैश एक्स, अब सुनना अच्छे, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उस फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर, अगर यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा होता, मतलब ये x प्लस वाई आ रहा होता, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, सेम चीज यहाँ पे भी x प्लस h आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस f ऑफ h, बोलो लिख सकते हैं, यस सर, माइनस में f ऑफ x अपॉन h, ये आ जाएगा, तो देख लो एफ ऑफ एक्स गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एफ ऑफ एच अपॉन एच, ठीक है। अब एच टेंडिंग टू जीरो पे कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो वाला फॉर्म, तो इसमें हम लॉपिटल लगा देंगे, तो लॉपिटल लगाने से क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर में एफ डैश एच आ जाएगा, नीचे में वन, अब इन डिटर्मिनेंसी हट गई, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ डैश जीरो आ रहा है, और ये एफ डैश जीरो एक कांस्टेंट रहेगा, बोलो यस सर, तो उस एफ डैश जीरो को हम ले लेंगे यहाँ पे लैम्डा, एफ डैश जीरो को लैम्डा ले लेंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अब ये एफ डैश एक्स मतलब ये क्या, एक तरीके से डीवाई बाई डी एक्स है ना, एफ डैश एक्स मीन्स इज इक्वल टू लैम्डा। अब इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन सभी लोगों को आता है, तो एक काम करेंगे डी एक्स को इधर लेके आ जाते हैं, तो डीवाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे,
तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y, इसका आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स प्लस c, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इस c की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x की जगह पे जीरो पुट कर देंगे क्योंकि हमें f ऑफ जीरो की वैल्यू पता है, पुट x इज इक्वल टू जीरो। तो x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो y कितना आएगा, जीरो, जीरो है ना, y भी जीरो आ जाएगा, y मीन्स f ऑफ जीरो वो भी जीरो आ जाएगा, ये जीरो प्लस c, यहाँ से c इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x। क्लियर है कैसे आता है? यस सर। किसी को कोई डाउट? और ये हमें याद रखने, जो चार पांच रिजल्ट में बताऊंगा वो हमें याद रखने हैं, और कभी कभी क्वेश्चन इनके अलावा भी आता है, कुछ अलग नेचर दिया जाता है फंक्शन का, अलग बिहेवियर, तो उसमें हमें इस मेथड से पढ़ना होता है। तो मेथड भी जरूरी थी तो इसकी वजह से इसका मैंने प्रूफ बता दिया। और ये जितने भी आगे वो चार पांच रिजल्ट्स है उनको हम इसी मेथड से सॉल्व करके f of x लाएंगे क्या होगा। ठीक है, तो ये लिख लो सभी लोग, ये पहले ये वाला पेज, किसी का बाकी क्या लिखना? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, ये सेम मेथड सभी जगह, आगे एक और रिजल्ट आएगा f of xy is equal to f of x plus f of y, तो वहां पे हम f of x को क्या ले सकते हैं, ln x, तो वहां पे भी तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज देख लो। वैसे वो सारे रिजल्ट्स हम प्रूव करके देखेंगे, उसकी जरूरत है, उसके वजह से देना जरूरी है। और इसमें कौन कौन अब्सेंट है? अभिराज तो प्रेजेंट है क्या? अभिराज महाले, नहीं। फिर उसके बाद चैतन्य, चैतन्य को क्या हो गया आज? निखिल, किशोर सर बीमार है सर, वो उसको टाइफाइड हुआ है। अच्छा, वो तुम नासिक में हो ना अभी तुम लोग? हाँ सर, किशोर मैं और निखिल। अच्छा ठीक है, वो घर पे है सर। ओके 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 ठीक है। फिर उसके बाद ईशान, प्रेम, सर्वेश, वेदांत शिंदे और इधर साई, साई है तो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया सभी लोगों का। यस सर। हाँ, नहीं सोचा मैंने हर्षवर्धन, तुम सोचना, लेकिन पहले अभी जो बताया जा रहा है उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y आ रहा है, फंक्शन ये बिहेवियर फॉलो कर रहा है, तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अब अलग तरीके का बिहेवियर ले लेते हैं, अगर ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और
x and y belongs to R, then f of x is equal to a की पावर के एक्स, ये हमें दिखाना है, f of x is equal to a की पावर के एक्स, ठीक है। एंड और f of x is equal to zero, ये दो चीज है, ये दो रिजल्ट आ सकते हैं यहां पे, है कि नहीं। अगर f of x plus y is equal to, अगर लिख पा रहे f of x into f of y, तो वहां पे f of x या तो जीरो होगा, मींस कांस्टेंट फंक्शन, या तो f of x आ जाएगा a की पावर में kx। तो दोनों चीजें देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे f of zero की रिक्वायरमेंट है, तो x एंड y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो जीरो। तो ये देख लो, x एंड y की जगह पे जीरो पुट कर दिया, तो इधर आ जाएगा f ऑफ जीरो एंड इधर आ जाएगा f ऑफ जीरो का स्क्वायर। तो तुम बताओ f ऑफ जीरो कौन सी वैल्यू लेगा, जीरो और वन, जीरो या तो वन, ठीक है। ये दो वैल्यूज वो लेगा, ठीक, एक तरफ ले आके फैक्टराइज कर दो, दिख जाएगा f ऑफ जीरो या तो जीरो होगा या वन। तो इफ f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां पे देखो हमें f ऑफ x चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं, y की जगह पे जीरो पुट कर देते, पुट y इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो यहाँ पे f ऑफ x बचेगा, ये f ऑफ x इंटू f ऑफ जीरो, ये f ऑफ जीरो तो जीरो ले रहे हम लोग, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, बताओ, बोलो। ये दिख गया f of x is equal to zero कैसे आ सकता है, हमने y की जगह पे zero put किया, तो हमें f of x is equal to zero मिल गया, बहुत आसान था क्योंकि f of zero zero है। हाँ बोलो सार्थक। सर वहाँ पे अगर x equal to y equal to zero करेंगे तो f of zero one आएगा, तो one भी तो आ रहा है ना, देखो, लेकिन अभी one जब आ रहा है उसके लिए अलग रिजल्ट, उसके लिए तो फिर ये रहेगा a की पावर के x रहेगा f of x, ठीक है। हाँ सर, लेकिन सिर्फ इतना बोला गया है कि f of x plus y is equal to f of x into f of y and x and y belongs to R, तो वहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो f of x जीरो होगा या f of x a की पावर के x। एंड अगर क्वेश्चन में बोला गया है f of x नॉन जीरो फंक्शन है, तब तो फिर वो ऊपर वाला ही आएगा a की पावर के एक्स, अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो, ठीक है। हाँ सर। अब उसके बाद इफ f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो इसमें देख लो, अब f डैश x इससे जाएंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो f ऑफ x प्लस h है, तो इसको हम f ऑफ x इंटू f ऑफ h लिख सकते हैं, बोलो, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो यहां से f ऑफ x बाहर आ जाएगा, f ऑफ x बाहर, अंदर में बचेगा f ऑफ h माइनस वन अपॉन h। अब यहां पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है क्या, बताओ। यस सर, जीरो बाई जीरो वाला फॉर्म आएगा ना, क्योंकि f ऑफ जीरो वन है, h टेंडिंग टू जीरो पे ऊपर में जीरो नीचे में जीरो, तो उसमें लॉपिटल लगा देंगे। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लॉपिटल जब तुम लगा दोगे, तो ये f ऑफ x एंड यहाँ पे f डैश h अपॉन वन एंड h टेंडिंग टू जीरो पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पे k एक कॉन्स्टेंट है, या लैमडा लिख लो, लैमडा, लैमडा कॉन्स्टेंट है, लैमडा इज कॉन्स्टेंट। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, f of x into f dash 0 एंड ये लैम्डा कांस्टेंट, मतलब ये लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, इसको कांस्टेंट है ना f dash 0 इस वजह से। तो यहाँ पे देखो f dash x is equal to ये आ रहा, ठीक है। तो
यहाँ हम काम करेंगे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैमडा इंटू, ये क्या है y है बोलो, या तो ये रिजल्ट मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा f डैश x अपॉन f ऑफ x, पता है क्यों? ln x का डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा dx के रिस्पेक्ट में, ln f ऑफ x आएगा, ln f ऑफ x n इज इक्वल टू ये लैम्डा x प्लस c, तो ये देख लो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, ये पता है ना सभी लोगों को? Yes, sir. कितने लोगों को पता है? दो रिजल्ट याद करवाए जाते हैं फिजिक्स में, एक तो f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स एंड एक एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इसमें नीचे वाले की जगह पे t पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है f ऑफ ln f ऑफ x आएगा, तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर में लैम्डा प्लस c, ठीक है? तो ये देख लो, अब हमें f ऑफ 0 की वैल्यू पता है 1, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये 1 इज इक्वल टू e की पावर में c, तो c इज इक्वल टू कितना होगा, 0, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहां से f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर में लैम्डा x, ठीक लिख सकते हैं, एंड इसका हम बेस भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़े बहुत यहाँ पे ये लैम्डा में से मान लो लैम्डा कुछ 4 वगैरह आ रहा है तो उसका 2 इसके साथ दे देंगे तो ये a भी आ सकता है, तो f of x ये आ जाएगा, तो लिख लो इसको, एंड तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, जो 2-3 रिजल्ट्स और थे f of xy, f of xy is equal to f of x plus f of y and f of xy is equal to f of x into f of y, ये दो रिजल्ट, मतलब ये दो अगर बिहेवियर दिए गए फंक्शन के तो वहां से f of x क्या आता है वो प्रूव करना है, ठीक है? तो कर लोगे इसको सर? होमवर्क रिपीट करो ना फिर से। होमवर्क में एमओडी में तुम लोगों को 4-5 रीजन बताए गए होंगे, ये पहला वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, मैं उसको प्रूव दैट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड एक और होगा, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये आ रहा है, एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ रहा है, तो वहां से एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये लिखवाया हुआ है ना, बोलो सर आप रिजल्ट लिखवा दीजिए हम प्रूफ कर लें। ए लिखवाया हुआ है तो मैं प्रूव करके देख लो ना तुम लोग, यहाँ पे रिजल्ट ये है, चलो लिख लो, अगर ये f of x into यहाँ से आ जाएगा x is equal to x की पावर f of x is equal to f of x is equal to x की पावर के सेकेंड वाले में, ये प्रूव करना है, ठीक है, एंड यहाँ पे f of x is equal to ln x lambda into ln x, ये प्रूव करना है, ठीक है, पहले वाले में। चलो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? सर नेक्स्ट पेज लो ना। हाँ नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज लैग्रांजेस थ्योरम, रोल्स एंड लैग्रांजेस, ये ओडी में देखेंगे। ए, तुम लोग सुनते नहीं हो अच्छे से, मैंने बोला था ना 3 इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम देखने वाले हैं, 3, एक इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने एलसीडी में देखी, और 2 देखेंगे रोल्स एंड लैग्रांजेस एओडी में, ठीक है? ओके सर। इतना भी कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है, कल एक दो एग्जांपल ले दूंगा मैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना टफ है और कितना नहीं है, ठीक है।
हाँ डीसी में प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू पार्ट वन ये होगा ठीक सर. मैंने आपको कल दो क्वेश्चन भेजे थे लिमिट. हाँ वो भी ले लेंगे उसमें. एलसीडी लगभग मान लो खत्म ही है पर नेक्स्ट लेक्चर में एओडी की स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी क्योंकि बस अभी फंक्शनल इक्वेशन इसके दो चार क्वेश्चन करवा के आगे एओडी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. सर आपने वो एक ही क्वेश्चन लिख दिया दूसरा कौन सा है? दो है यहाँ पे. ये पहला वाला है ये पहला वाला ये एक है नीचे वाला है दूसरा ठीक है. यस सर ठीक है. तो लगभग एलसीडी मान ही लो खत्म है तो तुम इसकी एक्सरसाइज वन भी लगा सकते हो. एक्सरसाइज वन स्टार्ट कर दो पूरा कर लो कंप्लीट ठीक है. परसों के दिन उसका डिस्कशन रखेंगे. अच्छा डीपीपी अबे डीपीडी क्या बोल रहे हो डीपीपी बोलो ना तो होंगे पहले ये प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन हो जाने तो हमारी मॉड्यूल बाकी है ना उसके बाद उसी के पीछे लगेंगे डीसी में डीपीपी डिस्कस करेंगे ठीक है. चलो फिर आज के लिए इतना ही है.